गुड मॉर्निंग, नमस्कार दोस्तों। स्टॉक्स टू वॉच पे मैं शुचि रुंगटा आप सबका स्वागत करती हूँ। तो आज इस वीडियो पे हर बार की तरह वीकेंड एनालिसिस करेंगे। मार्केट आगे क्या लगता है, मैक्रो फैक्टर्स क्या है मार्केट पे जो कि इम्पैक्ट कर सकता है, कुछ स्टॉक एंड सेक्टर स्पेसिफिक बात करेंगे। तो चलिए मैं सबसे पहले अपना स्क्रीन शेयर करती हूँ और डॉलर इंडेक्स की बात करेंगे सबसे पहले। तो डॉलर इंडेक्स जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये कांस्टेंट अपवर्ड ट्रेजेक्टरी पे है, हायर टॉप्स हायर बॉटम्स बना रहा है और उसके बाद यहाँ पे 114.7 का हाई बना के ये एक हायर लो बनाया है जो कि प्रीवियस स्विंग टॉप पे सपोर्ट लेके वापस बाउंस बैक कर रहे हैं। सो ओवरऑल द ट्रेंड इज अप। आरएसआई जो हम देख रहे हैं, आरएसआई 50 पे सपोर्ट लेके वापस बाउंस बैक किया है। सो मोमेंटम इसका ऊपर की तरफ है और ये हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं डॉलर इंडेक्स का चार्ट को देखे कि ये कॉन्स्टेंटली ऊपर की तरफ मूव करेगा। दूसरा, अब बात करते हैं यूएसडी आईएनआर का, क्योंकि अगेन दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर जो कि इंडियन मार्केट्स और ओवरऑल इक्विटीज पे इम्पैक्ट करेगा। तो रूपी कॉन्स्टेंटली, मतलब यूएसडी आईएनआर हायर हाई बना रहा है। अगर आप यहाँ देखें तो ये एक ट्रायंगल ब्रेकआउट के बाद इसमें एक फर्दर 80 रुपीज के ऊपर बहुत अच्छा मोमेंटम आया, फिर एक छोटा सा पेनेट फॉर्मेशन के बाद ये फर्दर पिछले दो ट्रेडिंग सेशन में ये फ्रॉम 81 लेवल्स, 81.5 लेवल्स अप्रोक्सीमेटली 83 के आसपास आ गया है। तो रुपया जब ऑब्वियसली डेप्रिशिएट हो रहा है अगेंस्ट यूएसडी आईएनआर, सो इट इज अ वरीसम कंसर्न फॉर ओवरऑल इंडियन इकोनॉमी एंड इंडियन इक्विटीज। सो यहाँ अगर हम देखें तो आरएसआई एक फ्रेश हाई हिट किया है। अगर इधर देखते हैं तो ये जो फेब्रुअरी 2022 का जो मैक्सिमम यहाँ पे रेंज हम देख सकते हैं, इसको क्रॉस करके एक फ्रेश हाई फ्राइडे को हिट किया है। एमएसईडी इज आल्सो पॉजिटिव। तो यूएसडी आईएनआर कहाँ तक जा सकते हैं, अगर हम लोग फिबोनाकी एक्सटेंशंस को प्लॉट करते हैं तो यहाँ हम देखें तो इसका जो फर्स्ट इमीडिएट अब टारगेट दिख रहा है वो है 83 लेवल्स का। सो क्योंकि ये अपने ऑल टाइम हाई के आसपास ट्रेड कर रहा है, इसका मोमेंटम काफी स्ट्रॉन्ग है। सो जो मेन सेक्टर है विच कैन बी इम्पैक्टेड बेस्ड ऑन दैट इज आईटी सेक्टर। व्हाई? बिकॉज आईटी सेक्टर इज एन एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सेक्टर। तो हम आईटी सेक्टर के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले एक बार इंटरनेशनल मार्केट्स की बात करते हैं कि इंटरनेशनल मार्केट्स का सेटअप क्या है। तो अगर हम डाउ जोन्स का चार्ट देखें तो ये एक कॉन्स्टेंटली डाउन ट्रेंड में है, लोअर टॉप्स एंड लोअर बॉटम्स, ठीक है। और ये जो लास्ट वीक हमने इसमें एक अच्छा खासा 5% का रैली देखा था डाउ में, वो यहाँ पे क्लस्टर बना के फ्राइडे वापस इसमें एक अच्छा खासा फॉल देखा है। तो ये जो स्ट्रक्चर है ये एक कुछ आइलैंड रिवर्सल काइंड ऑफ अ स्ट्रक्चर हमें दिख रहा है और विच इज इंडिकेटिंग कि यहाँ से हम यूएस इंडाइसेस को और नीचे की लेवल्स पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आरएसआई अगर देखें तो इवन व्हेन द मार्केट्स वेंट अप 5% ऊपर, आरएसआई 50 के ऊपर नहीं गया। एमएससीडी अपने सेल जोन पे ही है और ये एवरेजेस के नीचे ही ट्रेड कर रहा है। अगर आप देखें यहाँ स्टिल ट्रेडिंग बिलो इट्स शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस। सो ओवरऑल द ट्रेंड ऑफ यूएस इंडाइसेस इज डाउन एंड अभी तक हमें यहाँ पे कोई भी प्रॉपर बॉटम आउट सिग्नल्स नहीं मिले, तो वीकनेस इज देयर टू कंटिन्यू। इनफैक्ट अगर हम S&P 500 का चार्ट भी देखेंगे, S&P 500, इट हैज अ सिमिलर स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे हमने बाउंस बैक देखा था अपने इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन से, अगेन एक छोटा क्लस्टर बना के वापस सेल ऑफ दिया है। सो इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन ये है 3585-3600, बट यहाँ से अगर इस द लुक ऑफ इट, द फेस ऑफ इट, लुकिंग एट ऑल द इंडिकेटर्स, ये लग रहा है कि यहाँ से ब्रेक करके इट कैन मेक अ न्यूअर लो। सो ओवरऑल जब ग्लोबल मार्केट्स प्रेशर पे है, यूएसडी आईएनआर constantly on a rise है, डॉलर इंडेक्स ऑल ऑन अ राइज, एंड यस क्रूड ऑयल
क्रूड ऑयल इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट. क्रूड ऑयल एक फ्रेश अपवर्ड ब्रेकआउट दिया है. जो ये डाउनवर्ड ट्रेंड था यहां से, ये अपना जो प्रीवियस स्विंग हाई है 88-89 लेवल का, इसको ब्रेकआउट करके फ्रेश बाइंग हमने देखा है. और आरएसआई का जो ये रेंज था 30 और 50 का जो जोन था, उसको ब्रेक करके आरएसआई ने फ्रेश हाई दिया है फर्स्ट टाइम ऑन फ्राइडे. सो क्रूड ऑयल नाउ लुक्स लाइक इट हैज रिवर्स एंड ये यहाँ से ऊपर की तरफ जा सकते हैं. जो फर्स्ट लेवल हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं वो है अप्रोक्सीमेटली 98 और 100 लेवल्स. सो डेफिनेटली लुकिंग एट द ग्लोबल मैक्रो स्ट्रक्चर, इंडियन इक्विटी मार्केट्स विल बी अंडर प्रेशर. अब ओवरऑल बेसिक निफ्टी का चार्ट स्पेसिफिक डिस्कशन करते हैं, जिससे पता चलेगा कि क्या लेवल्स पे हम फोकस कर सकते हैं. तो ये है निफ्टी का डेली चार्ट. और अगर मैं डेली चार्ट पे आरएसआई भी प्लॉट करूं, तो ये देखिए, यहाँ से हमने एक 16,750 से एक अच्छा बाउंस बैक देखा निफ्टी पे. एंड वो आरएसआई जो ओवरसोल्ड था वहां से ये ऊपर आया है, बट इट किड नॉट गो अबव 50. अगेन आरएसआई डेली जो है वो 50 के ऊपर नहीं है, राइट. और अगर हम मूविंग एवरेजेस को प्लॉट करते हैं निफ्टी पे, तो शॉर्ट टर्म ये अपने 200 डीएमए पे सपोर्ट लेके शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस के ऊपर आया है. बट जो यहाँ हमें मूविंग एवरेज का सेल क्रॉसओवर दिखा था 2 वीक्स बैक, दैट स्टिल देयर. एंड ये क्लोजिंग हमें प्राइस का मूविंग एवरेजेस के ऊपर नहीं मिला है. सो बॉटम लाइन क्या है, सिंपल, वेरी सिंपल लॉजिक, कि अनलेस एंड अंटिल प्राइस इज क्लोजिंग अबव द मूविंग एवरेजेस, शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस, एंड दिस जोन जो ये प्रीवियस कंजेशन जोन है, जो पहले सपोर्ट था अब रेजिस्टेंस हो गया, विच इज 17,450 एरिया, 17,400-450 एरिया, इसके ऊपर जब तक हमें क्लोजिंग नहीं मिलेगा, वी के नॉट से दैट द बुल्स हैव प्रॉपर मोमेंटम ऑन द अपसाइड. नीचे की तरफ अगर बात करें तो ये जो जोन है 17,140-150 लेवल्स, ये एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट जोन होगा. अगर 17,150 ब्रेक करता है, सो दैट मींस क्लियरली ये जो रैली था ये एक बेयर मार्केट रैली था, एंड वी कैन एक्सपेक्ट अ फर्दर ब्रेक डाउन फ्रॉम दीज लेवल्स. देन इफ 17,150 ब्रेक्स, वी कैन एक्सपेक्ट 16,750 एंड लोअर लेवल्स फ्रॉम दीज लेवल्स. सो लुकिंग एट द ओवरऑल मैक्रो स्ट्रक्चर, लुकिंग एट इंडिविजुअल निफ्टी चार्ट्स, वी एक्सपेक्ट two important levels are there, 17,450 for bulls and 17,150 for the bears. So below 17,150, the bears get activated and get fresh momentum. So keep these levels in mind very clearly. Coming to bank Nifty, bank Nifty की अगर हम बात करें तो bank Nifty has been an outperformer in the past. Will it continue इन द फ्यूचर, दैट इज अ क्वेश्चन. अगर हम यहाँ देखें तो थर्सडे ये जो हम स्ट्रक्चर देख रहे हैं, आई जस्ट हाइड द मूविंग एवरेजेस, ये जो कैंडल स्ट्रक्चर जो फॉर्मेशन हुआ है, इतनी जो गैप अप्स होके एंड अगेन देर इज अ सेलिंग विच वी सी, दिस इज नॉट अ वेरी हेल्दी साइन फॉर बैंक निफ्टी ओवरऑल चार्ट सेटअप. आरएस की अगर हम बात करें तो जो ये मेरा स्प्रेड चार्ट है, व्हेन आई प्लॉट इट अगेंस्ट माय निफ्टी, ये एक फ्रेश ब्रेकडाउन हमें दे दिया है आफ्टर क्वाइट सम टाइम. ये कॉन्स्टेंटली ऊपर था एंड यहाँ से हम देख सकते हैं कि सितंबर मंथ में, 26 सितंबर को ये हमें एक फ्रेश ब्रेकडाउन दिया है, विच इज अगेन नेगेटिव फॉर द बैंकिंग सेक्टर. तो बैंक्स अगेन इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस इज 39,600, विच इज बेसिकली ये जो कैंडल है, जो एक शूटिंग स्टार टाइप ऑफ कैंडल पैटर्न बना है, इसका हाई, अगर इसका हाई इज ब्रेक टेकन आउट ऑन द अपसाइड, ओनली देन वी कैन एक्सपेक्ट सम फ्रेश बुलिश मोमेंटम. अदरवाइज इट स्टिल रिमेन्स अ पुल बैक रैली, एंड वी मे सी सेलिंग फ्रॉम दीज लेवल्स, बिकॉज अगेन इफ यू सी इट कुड नॉट
close convincingly above the averages, and we have a bearish moving average crossover. Hence, looking at the entire structure, we feel Bank Nifty will also be under pressure. So, which ये देखिए RSI को भी अगर हम देखें तो RSI is also below 50. So, which sector is basically going to outperform and we can focus on? Since the result earning season has is started and Monday we have important TCS results. IT sector we had discussed last week also. I would like to talk about CNX IT ones. CNX IT sector looks quite positive from a risk reward ratio and the macros, because USD INR is rising. The immediate benefit will be the IT sector, and here if we see ये कॉन्स्टेंटली एक लोअर डाउन ट्रेंड में था एंड अब एक ब्रॉडर साइडवेज चैनल में वर्क कर रहा है. तो ये जो लोज है 26,550 इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है, जहां पे इधर हमने एक टाइट प्राइस एक्शन एंड पॉजिटिव डाइवर्जेंस देखा था एंड एक फॉलो अप बाइंग दिस वीक लास्ट वीक हमने देखा जो कि हमने एक्सपेक्ट किया था. सो एनी विच वेज एनी पुल बैक और एनी यू नो pullback on this sector is an opportunity to buy. Why? Because we can expect the index to touch this level, which is 29,400. So, dusra important strong sector ki main baat karna chahungi, wo hai capital goods sector. Again, capital goods sector has been the star performer. Agar aap yahan pe dekhe, to RSI is above 50. MACD is just crossing the zero line and giving a fresh buy trigger. Capital goods, एक बार यहाँ भी देखते हैं. ये देखिए, ये अपने short term moving averages के ऊपर है, convincingly close किया है और हम इस पे follow up buying देख सकते हैं. So overall, अगर हम सब sectors की बात करें तो if we talk of metals, auto, pharma, they all are under FMCG, real estate, they all are having overhead resistance. Koi bhi apne short term moving averages ke upar nahi hai, apart from the capital goods sector. So overall capital goods sector and IT sector is the strongest and the, you know, best out of the lot if we talk about the sector specific. अब स्टॉक स्पेसिफिक बात करते हैं तो स्टॉक में फर्स्ट स्टॉक विच आई वुड लाइक टू डिस्कस विल बी प्राज इंडस्ट्रीज. अगेन कुछ स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे जो कि एक पुल बैक पे वी कैन लुक टू एंटर दीज स्टॉक्स एट अ फेवरेबल रिस्क रिवॉर्ड रेशियो. द सेटअप वी आर डिस्कसिंग, तो इन सेटअप्स पे ध्यान रखें और नीचे सपोर्ट जोन्स के पास मिले तो इस इन स्टॉक्स को देख सकते हैं. सबसे पहले प्राज इंडस्ट्रीज, ये वीकली चार्ट है और वीकली चार्ट पे अगर आप यहाँ पे देखें तो ये फ्राइडे लास्ट वीक एक फ्रेश इस रेंज का ब्रेकआउट दिया है. जो ये अप्रोक्सीमेटली 1.5 साल का रेंज है, यहाँ से ब्रेकआउट मिला है हमें विथ वॉल्यूम्स. वॉल्यूम एक्टिविटी इज सपोर्टिंग एंड वीकली एवरेजेस के ऊपर है. डेली चार्ट अगर हम देखेंगे तो डेली चार्ट पे थर्सडे एंड फ्राइडे हमने इसमें एक्शन देखा और फ्राइडे वी सॉ अ सेलिंग प्रेशर इन द सेकेंड हाफ ऑफ दिस पर्टिकुलर स्टॉक ड्यू टू द मार्केट्स फॉर्मिंग अ शूटिंग स्टार काइंड ऑफ अ पैटर्न. सो एंड इफ यू लुक एट द आरएस, दे आर ऑल पॉजिटिव. तो शूटिंग स्टार बना है, सो यस वी मे सी सम सेलिंग प्रेशर, बट एनी डिप near the 430-35 levels will be a good opportunity to build up any position in this stock. Praj Industries ka agar RSI setup bhi dekhte hain, so it's quite interesting. Ye aap dekhiye, ye 50 ke upar hai, it is matlab there is still room to go upside. MACD has given a fresh buy. So levels जो ध्यान रख सकते हैं, the first support zone on Praj Industries will be 430 and the next support zone is 416, जो कि ये breakout candle था उसका low. Resistance की बात करेंगे तो yes 460 जो इसका candle high है, that will act as a resistance. Next stock जो मैं discuss करना चाहूंगी वो है IT sector से HCL Tech. Again, a good setup.
यहाँ अगर आप देखेंगे तो HCL टेक पे हमें लोअर टॉप लोअर बॉटम मिलके यहाँ हम फर्स्ट टाइम एक ट्रेंड लाइन ब्रेक देख सकते हैं, विच इज एन इम्पोर्टेंट ट्रेंड लाइन, बिकॉज हम मल्टीपल 1, 2, 3, 4, 5 हिट्स के बाद यहाँ ब्रेकआउट देखा है हमने, राइट। MACD इज इन द बाय जोन एंड RSI इज अबव 50। तो अगेन HCL टेक फ्रॉम अ रिस्क रिवॉर्ड रेशियो लुक्स क्वाइट पॉजिटिव। सपोर्ट की बात करें तो 938 रुपीज विल बी द फर्स्ट सपोर्ट, सो एनी पुल बैक टू दीज लेवल्स इज अ गुड अपॉर्चुनिटी टू बाय फ्रॉम द रिस्क रिवॉर्ड रेशियो पॉइंट। रेजिस्टेंस की बात करेंगे तो 980 एंड 990 लेवल्स इज द लेवल्स विच द स्टॉक कैन टेस्ट। HCL टेक ऑन दी शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस हैव आल्सो टर्न्ड पॉजिटिव। आई जस्ट शो यू, ये देखिए शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस के ऊपर है एंड यहाँ पे एक पॉजिटिव कन्वर्जेंस हम देख रहे हैं, सो अगेन दिस इज अ पॉजिटिव साइन। इट इज स्टिल बिलो द 200 DMA, सो यस द इमीडिएट लेवल्स जो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं स्टॉक को टच करने का वो है 990 लेवल। सो दिस इज द जर्नी विच इट कैन डू करंटली इन द करंट मार्केट सिनेरियो एंड द RS हैज आल्सो टर्न्ड पॉजिटिव। 21 पीरियड, 55 पीरियड एंड माय स्प्रेड चार्ट ऑल आर शोइंग पॉजिटिव परफॉर्मेंस अगेंस्ट निफ्टी फॉर HCL टेक। लास्ट बट नॉट द लीस्ट आई विल टॉक अबाउट KPIT टेक। KPIT को हमने पहले भी कवर किया है, इनफैक्ट स्टॉक इन सोशल पे हमने कई बार इस स्टॉक के ऊपर बात की है कि दिस हैज बीन वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट IT सेक्टर स्टॉक्स एंड इट हैज गिवन अ फिनोमिनल मूव। एक मिनट इसका वीकली चार्ट से डिस्कस करते हैं द सेटअप। सो ये रहा वीकली चार्ट, और वीकली चार्ट पे अगर आप देखें तो इधर हमें ब्रेकआउट मिला था, ब्रेकआउट के बाद फॉलो अप बाइंग हम कॉन्स्टेंटली इन स्पाइट ऑफ द वॉलेटाइल कंडीशंस ऑफ द मार्केट हम इस स्टॉक में देख सकते हैं, सपोर्टेड विथ वॉल्यूम्स। MACD एंड RSI इज ऑल्सो बुलिश एंड इन द पॉजिटिव ट्रिजेक्टरी। नाउ कमिंग टू द शॉर्ट टर्म चार्ट्स, डेली चार्ट की अगर हम बात करें तो ये स्टॉक एक बड़ा पैटर्न यहाँ पे ब्रेकआउट दिया एंड उसके बाद यहाँ हम अगर देखें तो एक छोटा सा कंजेशन था विच वी कैन से कि एक पेनेट टाइप का फॉर्मेशन था, राइट। एंड यहाँ से एक फॉलो अप बाइंग जो प्रीवियस स्विंग हाई है उसके ऊपर ये चला गया है ऑन फ्राइडे, सपोर्टेड विथ वॉल्यूम्स। सो KPIT टेक इन द IT सेक्टर लुक्स वेरी गुड, अगेन बेस्ड ऑन द रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। सपोर्ट की अगर हम बात करेंगे तो 642 to 45 विल बी एन इम्पोर्टेंट सपोर्ट जोन एंड रेजिस्टेंस की बात करें तो ये द स्टॉक कैन इवेंचुअली टेस्ट 750 लेवल्स फ्रॉम दिस जोन। ओके, सो आशा करती हूँ दोस्तों आप सबको ये वीडियो पसंद आया। धन्यवाद।